ंसर वेलकम टू योर रीडिंग सो सेलेट सी ये जो वेरी सोन की एनर्जी है बहुत जल्द आपके साथ क्या होने वाला है इस रीडिंग को आप अपनी सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं या आप जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो ओके थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए और मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कैंसर अब हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे थैंक यू स्प्रेड थैंक यू वेरी मच कैंसर कर्क राशि के लोगों के लिए वेरी सुन की एनर्जी में क्या होने वाला है थैंक यू स्प्रेंट थैंक यू वेरी मच वन मोर टाइम प्लीज एंड हम्म पहला कार्ड है Two of Pentacles, the World card. दिल और दिमाग में जो आप बटे रहते हो इसमें कोई ब्रेक थ्रू आने वाला है कैंसर आप पहली दफा पहली बार हो सकता है अपने दिल और दिमाग दोनों में संतुलन महसूस करोगे अलाइनमेंट महसूस करोगे आपका दिमाग जो कह रहा है आपका दिल भी वही कहने वाला है और ये वेरी सून की एनर्जी में कोई एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है और ये आपका बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होगा क्योंकि अमूमन हो सकता है कि आपका दिल कुछ और कह रहा है दिमाग कुछ और कह रहा है और आपने कभी इस एनर्जी की अनुभूति नहीं की लेकिन अब होगी तो ये कोई कोई बहुत बड़ा आ, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कुछ लोगों के लिए ओके ये बहुत आत्मिक जैसे आत्मिक लेवल पर आप इस चीज़ को अनुभव कर रहे हो ये ऐसे बोलने वाली बात नहीं है ये बस एक्सपीरियंस करने वाली चीज है ओके तो बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग है बेसिकली यहां पर ओके ओ माय गॉश वी हैव द हाई यस। आपको जैसे पहली बार ऐसा लगेगा कि पहली बार नाच मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे सब बैलेंस में है और सब जो मेरे अंदर चल रहा है वही मेरे बाहर भी है जो मैं सोच रहा हूँ मेरा मन भी वही कह रहा है जैसे संतुलन सा है यू you नो know, जैसे 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 हर चीज बैलेंस में आपको लगेगी और ये ब्रेक थ्रू से कम नहीं लगेगा आपको मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ नया नया सा है नई नई लाइफ सी है आपकी ओके बट लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं किंग ऑफ कप्स टू ऑफ कप्स ऑफ कप्सो डेफिनेटली न्यू लाइफ न्यू लाइफ है यहां पर यहाँ पर कोई एक एरिया नहीं मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा या बदलता हुआ दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि नया जीवन है रीबर्थ है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप में बहुत मचरिटी की वाइब आ रही है रिलेशनशिप में ये जो होता है कि बात करनी है घूमने जाना है शॉपिंग करनी है कुछ एक नाई साइड होती है रिलेशनशिप्स की राइट ये ये गहराई है ये डेप्थ है ये है कि अगर हम एक होते हैं साथ में आते हैं तब फिर क्या पर्पज क्या है यू नो इंटेंशन क्या है कहां पहुंचना है जीवन में कहाँ तक आगे तक जाना है हमको क्या क्रिएट करना है हमको ये गहराई है ये बहुत जैसे गहरा काम है ओके गहराई में उतर रहे हो आप अपने रिलेशनशिप्स में आपके पार्टनर से भी आपको यही एनर्जी यही वाइब मिले क्योंकि टू ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत सोलमेट वाइब हो जाती है येस आई थिंक आपका आप अपने नॉर्थ नोड के साथ अपनी डेस्टिनी के साथ कनेक्ट कर रहे हो आपकी ये जो भटकन है इधर उधर भटकने की कि मैं ये ट्राई कर लूँ मैं वो करियर पाथ के साथ यू नो जुड़ जाऊँ या मैं इस पार्टनर के साथ डील कर लूँ जैसे ये है कि आपको आपका होम मिल रहा है आपको आपका घर मिल रहा है घर की हाँ ये पर्सन मेरा होम है ये ये काम ये करियर पाथ मेरा होम है ये डाइट मेरे लिए काम करती है ये स्पिरिचुअल मंत्र मेरे लिए काम करता जैसे अगेन रीबर्थ मैं यही बोल सकती हूँ रीबर्थ की एनर्जी है यहां पर वी हैव द फाइव ऑफ सर्ट फोर ऑफ कप्स कुछ लोग यहाँ पर अपने पास्ट के साथ पीस क्रिएट कर रहे हैं पास्ट में खास करके पिता से अगर आप हुए हुए हो आपके आपके लिए पिता पिता कभी खड़े नहीं हुए आपके. पिता नहीं आपको मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके साथ पेस क्रिएट करोगे कुछ लोगों के लिए आपकी पूरी ब्लड लाइन में हो सकता है कि पिता की बच्चे को साथ बनी ही नहीं और आपकी ब्लड लाइन का ही ये पैटर्न है माता ने संभाला आपकी मम्मा ने संभाला और आपकी ब्लड लाइन में भी यही है कि जो घर की माताएं हैं मम्मी, मम्मी हैं, उन्होंने ही संभाला लेकिन पिता की जैसे गैर मौजूदगी रही या पिता मिसिंग रहे तो आई थिंक आप अपने इस ब्लड लाइन के पैटर्न को भी हील करने वाले हो अपने पिता को माफ करके ओके आपके आपकी इस माफी से आपके पता नहीं कितने पितरों में जो कष्ट बैठा हुआ है वो रिलीज होगा क्योंकि मैं स्पेस क्रिएट होते हुए देख रही हूँ यहाँ पर तो न्यू ब्लड लाइन का सीड है यहाँ पर यस वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स कन्फर्मेशन न्यू फाउंडेशन ब्लड लाइन की वेरी सुन की एनर्जी में कुछ लोग अपने पितरों को मुक्त करने वाले हैं पितरों को माफ करके उनकी गलतियों को खास करके मेल फिगर्स जो रहे हैं जो मिसिंग रहे हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स में इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट्स जो होते हैं या फिर इन ही नहीं हुए गुस्से की वजह से ईगो की वजह से आप उनको माफ करने वाले और आपके जैसे पितरों की यहाँ पर मैं हीलिंग देख रही हूँ और न्यू ब्लड लाइन सीड्सो किंग ऑफ वो सिक्स ऑफ कप्स मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कुछ लोग अपने पास्ट के साथ डेफिनेटली पीस क्रिएट कर रहे हैं अगर ये आपका एक्स भी है कैंसर पाइस स्कॉर्पियो हो सकता है ये पर्सन क्वेरियस चैमनाए भी हो सकता है अगर ये पर्सन ने धोखा दिया हर्ट किया जो उसको आता था बेसिकली उसने वो आपके साथ किया उस समय आप हर्ट हुए होंगे आज आपके पास मेच्योरिटी है आज आपके पास अकल है कि हाँ उसने उसके पास वही देने की काबिलियत थी इस वजह से उसने आपके साथ वो किया अब आपका काम है उससे आगे बढ़ना उसको माफ़ करके क्योंकि जब तक आप उसको माफ़ नहीं करोगे वो आपके जहन में रहेगा उसका नाम आपके आपके कानों को चुभता रहेगा उसके उसका जो बर्थ डेट है जिस महीने में उसका जन्म है वो महीना आपको काटता रहेगा उसके साथ जो यादें जुड़ी हुई है वो आपको काटते रहेंगी तो जैसे आपकी अवेकनिंग है ये आप कह रहे हो कि बस हो गया तू तुझ जा तुझे माफ किया तुझे मैं क्लियर करता हूँ अपने माइंड बॉडी सोल से और मैं स्पेस क्रिएट करता हूं नए पोर्सन की ओके तो आप वेरी सुन की एनर्जी में बहुत धुला हुआ महसूस करोगे क्लेंज महसूस करोगे प्योर महसूस करोगे यहां पर अगर कुछ लोगों को किसने गंदे तरीके से छुआ है बचपन में एंड आई एम रियली सॉरी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है uh, मैं आपको एक टाइट सी हग भेज रही हूं इनके साथ आपके आपका अंदर जो इनर चाइल्ड है अगर उसने इस घाव को झेला है मुझे ऐसा लगता है कि आप उस पर्सन को भी फगीव करने वाले हो जैसे आप आप उस पर्सन की फगेवनेस के साथ अपने को हील करोगे किसने अगर आपको गंदे तरीके से छुआ है ना बचपन में तो उसकी वजह से भी क्योंकि तो आप रिलीज कर रहे हो आप बहुत क्लेंज्ड महसूस करोगे आपको लगेगा कि मैं प्योर हूं मैं होल हूं मैं कहीं से भी टूटा हुआ नहीं हूं मैं होल हूँ मैं इंफानाइट ह्यूमन बीइंग हूं लिमिटलेस ह्यूमन बीइंग हूं ओके सो अगेन होल एनर्जी अपने आप में संपूर्ण आपकी सेल्फ एस्टीम सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे मतलब स्काई रॉकेट जैसे बढ़ने वाली है आपका खुद को प्यार देना खुद के लिए स्टैंड लेना खुद के लिए खुद को प्रोटेक्ट करना खुद को प्रायोरिटाइज करना ये सब चीजें आपकी ट्रैक पर आने वाली हैं कैंसर वेरी सुन की एनर्जी में क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो रही है बहुत गहरे लेवल पर डीएनए हीलिंग हो रही है आपकी यहां पर ओके okay, तो आप एक्स को रिलीज कर रहे हो पास्ट के साथ अपना पीस क्रिएट कर रहे हो अपनी इनर चाइल्ड को बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्यार भेज रहे हो आप अब हो सकता है कि वेरी सुन की एनर्जी में ऐसी चीजों में भी एंगेज हो आपको अपने आप से मन भी हो सकता है होने लगे जो आपके फेवरेट फूड हुआ करते थे बचपन में कोई खेल हुआ करता था कोई फेवरे, फेवरेट फेवरेट स्पॉट थी आपकी बाहर यू नो पार्क वगैरह थी हो सकता है कि आपको इंट्यूशन आए कि वहां जाओ वहां ट्रैवल करो आज इस रास्ते से गाड़ी नहीं चलानी आज इस रास्ते से गाड़ी लेकर जाओ तो आप अपना रूटीन भी चेंज कर रहे हो अगर आप ऑफिस जाने के लिए भी सेम वही सड़क को यूज करते हो तो आपकी इंट्यूशन आपको बोलेगी कि नहीं आज ये वाला नहीं आज थोड़ा लंबा राउट लेना है लंबा रास्ता लेना है क्योंकि तो बस लेना है और उस रास्ते से हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ रेगुलेशन कुछ ना कोई नई गाइडेंस कोई नई इंफॉर्मेशन मिले ये आपकी इंट्यूशन आपके साथ आंख में चोली खेलने वाली है क्योंकि कुछ नया है कुछ नया रीबर्थ में मैं रिपीट ही कर रही हूं नया है आपके लिए ओके मैं आपके लिए कार्मिक नहीं सोलमेट देख रही हूं अगर कार्मिक है तो वो कंप्लीशन हो जाएगी आपकी और आप अपने सोलमेट के साथ यहां पर यूनियन में आओगे ओके हो मुझे भी थोड़ा सा सांस लेने दो इतनी इतनी इंटेंस रीडिंग है ये आ, ओके सो फाइव ऑफ सर्थ फोर ऑफ़ कप्स और थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर जो लोग अपने करियर में कोई पहला दिन शुरू करने वाले मतलब क्या होता ना जो आपका पहला दिन पहले आ, पहला वीक हो सकता है तो वेरी सोन की एनर्जी में आप बहुत अकम्पलिस्ट महसूस करो, करोगे आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ उखाड़ा तो है मतलब आपने जीवन में कुछ अचीव किया है यू नो ऐसी फीलिंग आएगी आपके अंदर और उसकी वजह से भी जो पास्ट में आपके साथ मान लीजिए जो हार का सामना आपको करना पड़ा या किसी ने आपको लूजर जैसे महसूस करवाया आप उस मेमरी को भी यहाँ पर हील करोगे क्योंकि जीवन में अब आपको ऐसा लगे कि यस मैं सक्सेसफुल हूँ मैं विनर हूँ मैंने कुछ अकम्पलिश किया है अपनी लाइफ में कुछ पाया है हासिल किया है अपनी मेहनत से किया है जीवन से आपको ऐसे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है ओके तो ये आपकी करियर लाइफ में हो सकता है ऑफ से आप कोई कोर्स या कोई वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर कोई स्किल्स सीख सकते हो किसी एक्सपर्ट से ये भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर जो लोग साइकिक वर्ल्ड में काम करना चाहते हैं करियर में काम करना चाहते हैं आपके लिए मैं डेफिनेटली न्यू बिगनिंग देख रही हूँ पहले तो थॉट ही आएगा पहले तो ख्याल ही आएगा अपने आप से कि यार मैं वो चीज कर लू और वो ख़्याल आपका पीछा नहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला और वो पीछा इसीलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि आपको वो काम सीखना है आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ हैं इंट्यूशन बहुत अच्छी है आपकी बस थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें यू नो आ, समझने की ज़रूरत है गाइडेंस लेने की ज़रूरत है किसी प्रोफेशनल पर्सन से बट ये ऐसी थॉट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा आपको टेरो या एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ऐसी चीज़ अट्रैक्ट करने लगेगी और आपको वो चीज़ सीखनी ही सीखनी है ओके पेज ऑफ सोट्स भी नई इन्फॉर्मेशन की बात करता है किंग ऑफ वॉन्स सिक्स ऑफ कप्स मुझे अगेन ऐसा लगता है कि आपने जो भी झेला है कैंसर अपने जीवन में हर इंसान की कोई ना कोई तकलीफ होती है राइट right? आपके हिस्से का जो दुख है ना दरअसल वही दुख को समझकर पढ़कर आपको उसको उससे लोगों का लोगों का उद्धार करना है लोगों को गाइड करना है आप किसी किस्म की मास्टर सोल हो जैसे आपको गाइड करना है कि हाँ जब जीवन में ये दुख आता है तो इससे बाहर कैसे निकलना है किसी किस्म का कोच बनना है आपको तो वेरी सोन की एनर्जी में ना यही पैथ के साथ आप जुड़ने वाले हो जो आपने दुख भोगा उससे आपने क्या सीखा वही आप लोगों को समझा रहे हो उसी के बारे में किताबें लिख रहे हो कोर्सेज बना रहे हो या करियर पाथ अपना लॉन्च कर रहे हो बातें कर रहे हो रील्स बना रहे हो इस चीज समहाउ नियर नियर फ्यूचर की ये जो एनर्जी है वेरी सुन की एनर्जी आप अपनी मास्टर सोल का ये जो मास्टर प्लान है इसके साथ जुड़ रहे हो इसको रिवील कर रहे हो ओके अगेन मैं बिल्कुल भी ये रीडिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी बहुत इंटेंस रीडिंग है बट आई थिंक आप रेडी रेडी थे इसलिए ये मैसेजेस आए हैं आपके लिए लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं कैंसर साइन के लोगों के लिए थैंक यू क्या कोई एडवाइस इस पर है थैंक यू और ये आई थिंक थिंकलॉती रीडिंग है जिसमें मैं ये कार्ड देख रही हूं एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस क्या बोला मैंने आपको पूरी रीडिंग में अभी तक किसी और की रीडिंग में यही मैसेजेस क्यों कार्ड्स तो यही होते हैं दूसरे की रीडिंग में भी किंग ऑफ कप्स आ रहा है लेकिन वहां पर कोई और मैसेज चैनल हो रहा है आपकी रीडिंग में ये क्यों मैसेज आया क्योंकि यही आना है आपके लिए क्योंकि ये आपकी, आपकी लाइफ में ये चेंजेस आने वाले हैं तो गाइडेंस क्या है एक्सपेक्ट करो करना कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है कुछ बड़ा होने वाला है मेरी लाइफ में मान के चलो सोच के चलो ओके okay? ये एडवाइस है आपकी यहाँ पर ओ माय गॉश अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज यस कोई टर्निंग पॉइंट है कहानी तो अब शुरू होगी जैसे कोई कह रहा है कि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त तो कहानी का क्लाइमैक्स तो अब शुरू होगा कभी कभी कहानी में दो क्लाइमेक्स होते हैं तो ये वो है बेसिकली एनर्जी ओके तो यस yes, थोड़ा शॉकिंग है एनर्जी ये आप लोगों को भी हैरान करोगे खुद को भी हैरान करोगे बट यस पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं कैंसर यहाँ पर ओके okay? और right ये है आपकी रीडिंग प्लीज इसे लाइक like कीजिएगा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा ओके टेक केयर बाय